हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हायर एजुकेशन एंड मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली थर्सडे को न्यूज़ आई है सीबीएसई का जो असेसमेंट का फॉर्मूला है 30-30 और 40 के रेशो के ऊपर जो आपके एडमिशन होने वाले हैं क्लास 10th और 11th 12th की परसेंटेज को लेकर आपका एक फाइनल वेटेज बन के आपको एक परसेंटेज मिलेगी। और इसी फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करके दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना परसेंटेज के बेसिस पे अपना एडमिशन साल कंडक्ट कराएंगे। तो रिसेंटली पीसी जोशी जो कि एक्टिंग वाइस चांसलर है, उन्होंने अपने जो इंटरव्यूज़ में बोला है वो आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि भाई एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लियर क्यों नहीं करता है स्टूडेंट को, क्योंकि आज की डेट में स्टूडेंट के माइंड में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या है कि अगर सीयूसेट कन्फर्म हो गया, सीयूसेट को लेकर बात हो गई आगे, तो उनको तैयारी का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम कितना रहता है, ऑलरेडी एडमिशन सेशन लेट हो चुका है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो बोला है एक्टिंग वाइस चांसलर पीसी जोशी, उन्होंने बोला कि 15th ऑफ जुलाई यानी मिड जुलाई में हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर देंगे और 30th जुलाई तक जो है सारे बोर्ड्स अपना रिजल्ट सबको मिल जाएगा और उसकी कट ऑफ के बेसिस में हम अपना एडमिशन कंडक्ट करा लेंगे। पहले जब हम पूछा गया कि इस साल एडमिशन कैसे होंगे तो इस पे क्या बोला है, व्हाटएवर मेरिट विल बी डिसाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव बोर्ड्स we will go along with that merit and like other years Delhi University is going to admit students strictly on the basis of merit which this year will be decided by their respective boards। अब ये तो बात हुई merit based admission की कि इस साल आपके merit based admission होंगे और Delhi University इसी तरीके से अपने admission कराएगा जैसे हर साल कराता आया है। अब जब हम बोलते हैं CU set को लेके question किया जाता है कि भाई CU set होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उस पे इनका कहना है, well Delhi University definitely will welcome if the minister of education through national testing agency decides to go ahead with CU set, because CU set was framed in line with national education policy 2020 and I was one of the member of CU set committee. We had discussed, debated on various modalities of CU set and submitted final report to the government which is now ready to be implemented. But again, the decision to implement CU set will be based on the COVID situation. Now if the government of India decides to go ahead with CU set, I think we'll have a very, very fairly good merit with us, because CU set is not only taking care of the subject knowledge of students but also other abilities like numerical abilities, aptitude, general knowledge. So overall personality of the student is going to be assessed in CU set, which definitely would be very, very good for us to take students on merit. अब देखो दोनों पॉसिबिलिटी बताई गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। पहला तो मेरिट बेस्ड उन्होंने बोल ही दिया कि भाई मेरिट बेस्ड तो हम कराएंगे ही कराएंगे, हमें फुल फेथ है सीबीएसई के फॉर्मूला पे और जो उन्होंने बताया है जिस तरीके से असेसमेंट होगा हम उसके साथ टोटली सेटिस्फाइड हैं और हम उसके बेसिस पे अपना मेरिट बेस्ड एडमिशन कर लेंगे जैसे कि हर साल होता है और ऐसे ही तो होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। दूसरा उन्होंने ये बोला है कि अगर सीयू सेट का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसके ऊपर जो डिसीजन होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का होगा और ये बात अभी की नहीं है कि भाई सीयू सेट एक दो दिन पहले आया है। जब हमारे यहाँ पे एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए थे और जब सीबीएसई के एग्जाम कंडक्ट भी नहीं हो रहे थे तो तभी फरवरी के आसपास ही ये बात आ चुकी थी कि भाई सीयू सेट इस साल इम्प्लीमेंट हो सकता है। और सीयू सेट इम्प्लीमेंट करने के लिए भी अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा आपका सिचुएशन के ऊपर होगा कि भाई पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से अभी कैसा चल रहा है, कितने केसेस आ रहे हैं, नॉर्मल हो गया सब कुछ, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि सीयू सेट अडॉप्ट हो जाए। लेकिन आज की डेट में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, दो जगह प्रॉब्लम आ रही है। एक ये है कि स्टूडेंट पूछ रहा है कि भाई अगर सीयूसीटी कराने जा रहे हो आप तो उसका सिलेबस बता दो, उसके बारे में डेट्स दे दो टेंटेटिव, भाई इस डेट तक आपका एग्जाम होगा ताकि बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाए, उसके सिलेबस को लेके तैयारी कर ले अपनी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए फोकस करना शुरू करे। दूसरा क्वेश्चन बच्चे के माइंड में ये आ रहा है कि भाई अगर परसेंटेज निकाल के दी सीबीएसई ने, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और हो सकता है कि भाई बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाइड ना हो अपनी परसेंटेज को लेके, क्योंकि यहाँ पर 10th भी यूज़ हो रहा है, 11th भी यूज़ हो रहा है, 12th भी यूज़ हो रहा है और वो एक अगर फेयर वे नहीं लगा एडमिशन लेने का तो क्या किया जाएगा, वहाँ पे सीयूसीटी इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा या फिर इसी तरीके से जो भी परसेंटेज मिलेगी उसी के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। अब इस बात को लेके एक्टिंग वाइस चेयरमैन जो हैं पीसी जोशी, इन्होंने ये बोला कि भाई हमें पूरा भरोसा है सीबीएसई के ऊपर, पूरा ट्रस्ट है कि वो लोग एक अच्छा ही रिजल्ट बना के देंगे जिसके बेसिस पर हम एडमिशन लेंगे। तो ये चीज़ अभी तक इस पूरे डिस्कशन से लेके ये लगा है कि 70% आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा और 30% सीयू सेट होगा, और वो जो 30% है वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हाथ में है, वो जब तक क्लियर नहीं करेंगे कुछ कह नहीं सकते एडमिशन प्रोसेस को लेके। और सबसे पहले एक बार सारे बोर्ड्स अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, स्टूडेंट्स के बीच में इसका रिएक्शन पता चल जाए, और बच्चे जब तक अपना नहीं रखेंगे ओपिनियन इस बात को लेके जिनको एक्चुअली एडमिशन लेना है और जिन बच्चों को रिजल्ट मिल रहा है, अगर वो सेटिस्फाइड रहते हैं
चीज से तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं तो यहाँ पे CUCET बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं आप लोगों के फेवर में ही बोलना चाहता हूँ कि भाई CUCET इंप्लीमेंट होता है तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि परसेंटेज का किसी को कुछ नहीं पता। बच्चे ने 11th में कैसी पढ़ाई करी थी, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं 10th में अच्छी पढ़ाई करते हैं, 11th में डाउन हो जाते हैं और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो वेटेज है परफॉर्मेंस से शायद थोड़ी बहुत इंपैक्ट में आ सकती है। और टाइम के साथ ही स्टूडेंट इंप्रूव करता है, बच्चा इंप्रूव करता है, और अब आपको एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो आप CUCET पे थोड़ा फोकस रखें, और अगर कल को आपको लगता है कि मैं अपनी परसेंटेज से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो CUCET इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर एडमिशन प्रोसेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। नहीं तो हाई कट ऑफ के चक्कर में आप लोग रह जाओगे। और अगर CUCET नहीं कंडक्ट होता, आपके मेरिट बेस्ड ही एडमिशन होते हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी 50% की होती है, आपके पास 50% है क्लास 12th में, तो आप आराम से यहाँ पे किसी भी कोर्स में BBA BCA BGMC लॉ के लिए और जितने भी कोर्सेज हैं मोस्टली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफर होते हैं वो यहाँ पे भी ऑफर होते हैं, आप इन कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच।